लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी कि बिजनेस कम्युनिकेशन की फंडामेंटल बेसिस पर, आज हम बात करने जा रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन की प्रोसेस कैसी होती है, कैसे वो काम करती है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या है, सबसे पहले क्या होता है कि एक सेंडर होता है जो मैसेज को सेंड करता है। क्या सेंड करता है? मैसेज। मैसेज अब क्या है, जो सेंडर ने सेंड किया मैसेज, लेकिन मैसेज क्या हुआ? इनकोडिंग लकी हो। अब हमने ये कहा कि आप कैसे हो, तो वायर मैसेज नहीं जाएगा ना, आप कैसे हो, वो तो जाएगा कन्वर्जन, दैट मीन वायर के थ्रू, सर्किट लैंग्वेज में या इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में। तो मैसेज, मैसेज के बाद फिर क्या होगा कि आपके बीच में आ जाएगी नॉइस, क्योंकि आप देखते हो जब आप मैसेज आप भेजते हो तो क्या होता है, बीच में आवाजें आती है, आवाजें जब आती है फिर उसमें क्या होगा, आप किसी ना किसी मीडिया के थ्रू भेज रहे हो। मीडिया के बाद क्या होगा, उसके बाद कि जब वहां पर जाएगा तो फिर हो जाएगा डीकोडिंग। डीकोडिंग के बाद फिर क्या होगा, मैसेज पहुंचा रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया और बाद में उसको फीडबैक दे दिया। तो ये एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है, जिस कम्युनिकेशन प्रोसेस में तू बात करती है। ठीक, अब पहले बात में आप बता सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कि जब दो पर्सन के बीच में कोई बातचीत होती है किसी इंफॉर्मेशन को लेकर, किसी डेटा को लेकर के, या किसी इंपॉर्टेंट वर्क को लेकर के, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो या पर्सनली रिलेटेड हो, किसी भी चीज से हो सकती है। तो जब हम लोग डेटा को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इज नोन एज कम्युनिकेशन एंड विच इज रिलेटेड विद द बिजनेस। ओके, अब हम आज वही बात करने वाले हैं कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, कि हाउ पर्सन कैन कन्वे और ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सो नाउ वी कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अ कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट इज सेंडर। व्हाट इज सेंडर, हु इज सेंडर? सेंडर इज अ पर्सन हु कन्वे अ मैसेज और इंफॉर्मेशन आइडियाज टू अनदर पर्सन। ठीक, मतलब कि एक वो व्यक्ति है जो मैसेज को कन्वे कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को। ठीक है ना। फिर बात करते हैं इनकोडिंग। इनकोडिंग इज अ ट्रांसफर मीडियम। कहने का मतलब क्या है कि ये एक मीडियम है जिससे लैंग्वेज को ट्रांसफर किया जाता है मशीन लैंग्वेज में या इलेक्ट्रिक लैंग्वेज में। क्योंकि जब भी आप कोई चीज कहते हो, आप जब कोई चीज कह रहे हो तो वो सीधे तो नहीं जा रही ना वायर में कि क्या कर रहे हो, तो क्या होगा, चेंज हो जाती है लैंग्वेज, वायरलेस है तो सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो वैसे ही इनकोडिंग भी होता है, जो एक इंफॉर्मेशन होती है वो कन्वर्ट कर देती है इनकोडिंग। मैसेज चला गया, अब आपने देखा होगा मैसेज क्या है, मैसेज द इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, डायग्राम्स, पोस्टर्स, वीडियोस, एप्लीकेशंस, बहुत से फॉर्म में होती है। फिर बात करते हैं, जब भी आपको मैसेज होता है तो रास्ते में आप देखा होगा यदि कोई बात होती है, कभी कभी आवाजें आती हैं, कभी वाइब्रेशन की आवाजें आती हैं, या कभी सिग्नल्स नहीं मिलते, है ना। तो जो नॉइसेस बीच में आती रहती है वो यहां बताया गया है। मीडियम क्या है कि जिस भी मीडियम से आप उनको कन्वे कर रहे हो या अपने मैसेज को, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन, तो वो मीडिया होती है। तो मीडिया में सारी चीजें होती हैं कि आप जिसके थ्रू वो चीजें भेज रहे हो, आपके मोबाइल फोन के थ्रू भेज रहे हो, या वो मीडियम कौन सा जिसके थ्रू जा रहा है, लैंडलाइन फोन है, वायरलेस फोन है, और आपके इंटरनेट के थ्रू आप जो भेज रहे हो, और मोबाइल के टाइप इंटरनेट के थ्रू जो भेज जा रही है, तो वो सब चीजें होती है। डी कोडिंग क्या होता है, जिसके थ्रू जो मैसेज जा रहा है, अब अगर उसके पास पहुंचेगा वो मैसेज तो फिर से ट्रांसफर होगा। तो फिर से जब वो लैंग्वेज में ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं डीकोडिंग। डीकोडिंग मैसेज में ट्रांसफर होगा, मैसेज क्या हो जाएगा, फिर से आ जाएगा रिसीवर के पास। रिसीवर इज अ पर्सन हु रिसीव द मैसेज फ्रॉम द सेंडर। रिसीवर वो व्यक्ति है जो इंफॉर्मेशन को या डेटा को कलेक्ट करता है किससे, रिसीवर से, सॉरी सेंडर से, उसे कहते हैं रिसीवर। जब रिसीवर सुन लेता है कोई चीज को कि हाँ सर आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये चीजें हैं, ये ऐसी चीजें हैं,
फिर क्या होता है कि रिसीवर फीडबैक देता है, जब कोई आपको कॉल करता है तो कहता है भैया क्या बातें हैं, कैसे क्या चीजें हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ भैया आप क्या कर रहे हो, कैसे क्या चीजें, भैया ये इन्फॉर्मेशन है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कि ये मैसेज देख लीजिए, ये मैसेज किसी ने क्या क्या कहा है, या उन्होंने ये मैसेज आपको देने के लिए कहा है। तो एक पर्सन है जो आपको मैसेज कन्वे कर रहा है, बीच में कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स वॉइस कुछ आ जाती हैं। फिर क्या होता है कि वो किसी ना किसी मीडिया के थ्रू, नेट के थ्रू दे रहा होगा, व्हाट्सएप के थ्रू दे रहा होगा, या बहुत चीजों बहुत मीडियम होते हैं जिनके थ्रू देता है मैसेज। तो जब भैया मैसेज आ गया, रिसीवर रिसीव कर लिया कि ठीक है मैं आपकी बात समझ गया हूँ, अब समझने की बात क्या होता है, सुना समझ लिया, समझने के बाद उसको फीडबैक देता है, ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, या कुछ जो भी है वो आंसर देता है, उसे फीडबैक कहते हैं। फीडबैक देने पर सेंटर क्या होता है, उसे रिसीव कर लेता है और कहता है ओके थैंक यू, मैंने आपकी बात समझ ली है कि आप क्या कहना चाहते हो, जो भी चीजें हैं, और ये एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस जो होती है प्रॉपरली कंप्लीट हो जाती है। ये ऐसा क्यों बताया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन में हर साल आता है। मैंने इसको इसलिए स्पेसिफिकली इसको इसलिए बताया है कि बहुत हर साल आता है, और एक टॉपिक और आता है जो हर साल होता है कि जो बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के। बैरियर्स मतलब क्या होता है, जो रुकावटें होती हैं। तो प्लीज रुकावटें जरूर देख लीजिएगा एक बार कि बैरियर्स कैसे होते हैं। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो बैरियर्स होते हैं वो आपके होते हैं सिमेंटिक होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल होते हैं और पर्सनल होते हैं। तो इतने टाइप्स के बैरियर्स होते हैं जो आपको देखने हैं, समझने हैं कि कैसे क्या चीजें होती हैं। आपने सब चीज कर ली है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस मालूम पड़ गई, हर चीज मालूम पड़ गई, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कम्युनिकेशन में भी कई प्रकार की कम्युनिकेशन होती हैं? वो तो एक मैंने ओरल बताया, लास्ट में बताया था ओरली, रिटन और गेस्चर फॉर्म, साइन लैंग्वेज। लेकिन जो हम लोगों की कम्युनिकेशन होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। तो होते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी पर्सन से बात कर रहे हो और वो जो इंफॉर्मेशन है वो बिजनेस के पर्पस पे होनी चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी, आपके वर्क के पर्पस पर होनी चाहिए, उसे कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। और अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो चीजें होती हैं जहां पर आप अपनी पर्सनली बातें करते हो जो आपके वर्क से रिलेटेड नहीं होती बातें, उसे कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इसमें भी है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या चीजें हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। फॉर्मल में क्या होता है, होता है आपका अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, ठीक, ये फॉर्म्स होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जब फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं या मैं इसको रफ कर देता हूं। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल में बहुत सी चीजें होती है जैसे गॉसिप, क्लस्टर, स्केलरशिप, फिर है आपका प्रोबेबल, वर्टेक्स। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जो इनफॉर्मल बेसिस पे काम करती है, इंफॉर्मेशन बेसिस पे इंफॉर्मेशन काम आती है, इनफॉर्मल बेसिस पे काम करने के। ओके, तो ये टॉपिक था हमारा कम्युनिकेशन के प्रोसेस के बेसिस पर, उसके कुछ जो टाइप्स होते हैं कि कम्युनिकेशन कितने टाइप से की जाती है, कितने तरीके की होती है, बैरियर्स मैंने बताया आपको,
कम्युनिकेशन की प्रोसेस बताई। तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें थी जो हमारा ये सेकंड लेक्चर था कि सॉरी सेकंड लेक्चर जो मैं बताऊंगा आपको उस पर क्या होगा कि जो ये मैंने आपको जो इंट्रोड्यूस करवाए हैं ये पॉइंट्स जो बताए हैं ये था थर्ड चैप्टर में जो थर्ड वीडियो बनाऊंगा मैं आपकी वो सब कम्युनिकेशन बेसिस पर ही जाएंगे। ओके okay?